हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ द केक रूम। गाइस, आज हमारे पास एक ही केक का ऑर्डर है जो कि है 3 kg चॉकलेट फ्लेवर में। एंड थीम जो है, वैसे तो आपको थंबनेल से आइडिया लग चुका होगा, सीएस के बेस्ड थीम है। एंड ऊपर आने वाला है एडेबल प्रिंट एंड पेपर प्रिंट, वो सब कुछ हम इस आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में स्पॉन्ज बैक करने के लिए कितना हमें प्रीमिक्स लेना है, केक टिन कौन सा लेना है, प्लेट कौन सी लेनी है, वो सब कुछ भी हम आज के इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ। तो जैसा कि ये केक 3 kg का है एंड 1 kg के लिए मैं 300 ग्राम प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया टोटल 900 ग्राम चॉकलेट प्रीमिक्स एंड उसको मैं सिंपली वाटर के साथ मिक्स करके यहाँ पर हम बना देंगे बैटर। एंड अब टर्न आती है स्पॉन्ज बैक करने के लिए केक टिन की। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 12x2 inches का केक टिन। ये जो केक टिन है इसकी हाइट मेरे पास कम है, तो सबसे पहले मैंने बॉटम के लिए बटर पेपर कट किया। एंड केक हमारा 3 kg का है, तो हो सकता है स्पॉन्ज बैक होते समय थोड़ा ऊपर तक आए, तो इसीलिए यहाँ पर साइड में भी मैंने बटर पेपर अच्छे से सेट कर लिया है ताकि अगर स्पॉन्ज ऊपर तक आए तो बैटर बाहर ना निकले। एंड अब हमने जो बैटर रेडी किया था उसको पोर कर देंगे केक टिन में। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद यहाँ पर हमारा बैटर रेडी है बैक होने के लिए। बैकिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ इडली कुकर, आप चाहो तो कढ़ाई में भी बैक कर सकते हो। तो मिनिमम 45 से 1 आवर तक हम इसको अच्छे से बैक होने देंगे। एंड तब तक हम रेडी करते हैं इसके ऊपर के डेकोरेशन के लिए जो भी टॉपर से उनको। केक के डेकोरेशन में हमें एक एडेबल प्रिंट और एक पेपर प्रिंट दोनों चाहिए होगा, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने प्रिंट सेट कर लिया है। आफ्टर अराउंड 1 आवर जब हमने स्पॉन्ज चेक किया तो स्पॉन्ज भी हमारा बैक हो चुका था। बस उसको कुकर से निकाल कर हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दिया। तब तक हमने रेडी की डच क्रीम रेडी करना। चॉकलेट डच क्रीम बनाने के लिए सिंपली हमें चॉकलेट गनाश को एड करना है व्हिप्ड क्रीम में। अच्छे से मिक्स करेंगे एंड हमारी चॉकलेट डच क्रीम रेडी हो जाएगी। सो गाइस, स्पॉन्ज हमारा बैक हो चुका है, अच्छे से कूल हो चुका है। अब हम करने वाले इस स्पॉन्ज की लेयरिंग एंड फ्रॉस्टिंग। लेयरिंग की बात करें तो पहले मैंने सोचा इस स्पॉन्ज की मैं 3 ही लेयर कट करूंगी, लेकिन वो इतनी मोटी लेयर बन रही थी। देन आई रियलाइज कि इसकी 4 लेयर्स आराम से कट हो जाएगी, तो यहाँ पर जल्दी से मैंने इस स्पॉन्ज की 4 लेयर्स कट कर ली। एंड जैसे कि यहाँ पर स्पॉन्ज हमारा 12 इंच का था, तो यहाँ पर मैंने 16 इंच का केक बोर्ड यूज़ किया है। सो अब स्टार्ट करते हैं इस केक की फ्रॉस्टिंग। फ्रॉस्टिंग के लिए यहाँ पर जो हमने डच क्रीम रेडी की थी उसको पहले केक बोर्ड पर अच्छे से स्प्रेड कर दिया ताकि हमारा जो स्पॉन्ज है वो इस पर अच्छे से स्टिक रहे। एंड देन हमारा चॉकलेट केक की फ्रॉस्टिंग करने का जो तरीका होता है उसमें हम पहले चॉकलेट डच क्रीम जितनी हमें नीड है लेयरिंग में उतनी हम लेके उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। एंड साथ में मैं ऐड करती हूँ चॉको चिप ताकि टेस्ट अच्छा आए। एंड इसी के साथ यहाँ पर हमारे इस केक के क्रम कोटिंग डन हो चुकी है। एंड अब कर रहे हैं हम इस केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग। फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए यहाँ पर मैं व्हाइट व्हिप्ड क्रीम ही यूज कर रही हूँ एंड हल्का सा शेड आएगा जो कि ग्रीन कलर का। एंड फ्रॉस्टिंग करने के लिए जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ मैं यूज टू हूँ पाइपिंग बैग को ही यूज करती हूँ, तो अगर आपको भी सही लगे तो आप भी पाइपिंग बैग यूज कीजिए, ये काफी इजिली वर्क होता है इससे। एंड स्मूथनिंग के लिए यहाँ पर मैंने यूज किया स्क्रैपर एंड इसी स्क्रैपर की हेल्प से। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन ये केक भी बड़ा है तो हो सकता है आपको भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगे अगर आप भी 3-4 kg केक अराउंड बना रहे हैं। तो केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग डन होने के बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें हल्का सा ग्रीन शेड देना है, तो यहाँ पर केक के हाफ पार्ट में ही हमने ग्रीन कलर की व्हिप्ड क्रीम अप्लाई की है एंड इसको भी स्क्रैपर की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। एंड थोड़ा सा डिजाइनिंग लुक देने के लिए यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ जिगजैग डिजाइन का स्क्रैपर जिससे ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, तो यहाँ पर मैंने ये स्क्रैपर यूज करके इस केक को कर लिया है डन। तो बस अब इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। जो हमने प्रिंट दिए थे वो प्रिंट निकल के आ चुके हैं, जिसमें से हमारा सीएस के लोगो लिखा है वो हमारा एडेबल प्रिंट एंड जो सेकंड प्रिंट है वो हमारा पेपर प्रिंट। इसी के साथ में थोड़ी सी फोंडेंट टॉपिंग्स भी थी जो कि बहुत ईजी है बनाना, आप देख के समझ जाएंगे। तो वो सब कुछ भी हमारी रेडी हो चुकी है एंड अब करते हैं केक का फाइनल असेंबली। तो बस केक का फाइनल डेकोरेशन के लिए हमने जितने भी केक टॉपर्स रेडी किए थे उन सब को यहाँ पर हम अच्छे से स्टिक कर देंगे। तो ये जो हमने पेपर प्रिंट लिया था उस पेपर प्रिंट को आप देख सकते हैं वो मैंने फ्रंट में सेट किया है एंड रिमेनिंग जितनी भी फोंडेड टॉपिंग्स थी उन सबको भी केक पर अच्छे से सेट कर देंगे। एंड इसी के साथ हमारा जो ये केक है वो बनके रेडी हो जाएगा। टॉपर्स रेडी करने की बहुत सी क्लिप मिस हो चुकी है, उसका रीजन ये था कि केक अर्जेंटली चाहिए था तो मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ रेडी करना था। एंड ये सब कुछ असेंबलिंग करने के बाद यहाँ पर मुझे ग्रास का लुक देना था, तो बस सिंपली हमने पाइपिंग बैग में फिल
की ग्रीन कलर की व्हिप्ड क्रीम एंड हल्का सा होल करके यहाँ पर ग्रास वाला लुक देके इस केक को कंप्लीट कर लिया और ये है केक का फाइनल लुक। सो गाइज, ये तो केक हमारा डन हो चुका है। इसके साथ मैं एक और केक का डिटेलिंग वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली थी, लेकिन हुआ ऐसे कि वो केक अर्जेंट में कस्टमर को सुबह जल्दी चाहिए था, तो मैंने एक रात पहले ही इसकी फ्रॉस्टिंग करके रख ली। एंड इसका फाइनल डेकोरेशन मैंने मॉर्निंग में किया, लेकिन हुआ ऐसा कि कस्टमर उस केक को काफी लेट लेने आए। अगर मुझे पता होता कि कस्टमर लेट लेने आएंगे तो इस केक की भी डिटेल्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करती, लेकिन देखा जाए तो ये केक काफी सिंपल है लेकिन दिखने में काफी अट्रैक्टिव है। तो इसके लिए सिंपली मैंने ये जो गर्ल का कटआउट है वो पेपर प्रिंट लिया था एंड देन रिमेनिंग बटरफ्लाई जो थी उनको स्टिक कर दिया मैं। अच्छे से केक पर सेट करने के बाद यहाँ पर हमारा ये क्यूट सा केक बन के रेडी हो गया है। बस अब बताती हूँ मैं इसकी पैकेजिंग। केक का डेकोरेशन काफी हाइट में है, मतलब आप देख सकते हैं काफी हाइट में है, तो इसको हम छोटे बॉक्स में तो नहीं पैक कर सकते। तो उसको पैक करने के लिए मैंने यूज किया 8x8x8 का ट्रांसपेरेंट विंडो बॉक्स, जो अगर पर्सनली भी देखा जाए तो काफी अट्रैक्टिव लगता है। अगर हम किसी को गिफ्ट वगैरह भी दे रहे हैं तो इस टाइप के जो बॉक्स होते हैं वो काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। और ये मैंने अपने यहाँ की लोकल शॉप जो बेकिंग सप्लाई वाली शॉप है वहीं से परचेज किया है। सो वैसे तो हमारे आज के सारे केक कम्प्लीट हो गए थे इवनिंग तक ही, लेकिन एक केक का ऑर्डर हमारे पास इवनिंग में लेट आया था। जिनको चाहिए था करीबन 9 से 10 बजे, उन्होंने बोला आराम से आप केक कभी भी दे सकते हैं। तो बस हम लग गए हमारे नेक्स्ट केक की ओर। तो यहाँ पर स्पॉन्ज हमने बैक कर लिया। हाफ के जी केक था तो 6x2 इंचेस का केक टिन यूज किया एंड हाफ के जी तो 150 ग्राम प्रीमिक्स यूज किया। एंड स्पॉन्ज रेडी होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमने कर दी इस स्पॉन्ज की लेयरिंग एंड इस केक का जो फ्लेवर है वो मिक्स फ्रूट फ्लेवर में है। तो यहाँ पर हमने कीवी कट करके रख दी थी, पाइनएप्पल और चेरीज भी हमने कट करके रख दी। इन सबको असेंबल करके यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दी फ्रॉस्टिंग। एंड फ्रॉस्टिंग कट करने के बाद यहाँ पर क्रम कोटिंग डन हो चुकी थी। इस केक को हमें राउंड शेप में नहीं देना था, कस्टमर डिमांड थी उनको हार्ट शेप में चाहिए, तो बस मैंने कट कर दिया इस राउंड शेप को हार्ट शेप में चेंज करने के लिए, जो कि बहुत ही सिंपल तरीका है इसको चेंज करना। उसके लिए सिंपली हमें एक प्लस का सिंबल बनाना है, उस अकॉर्डिंग 2 पार्ट कट करने हैं एंड पीछे व्हिप क्रीम ऐड करके यहाँ पर ये जो कटिंग पार्ट है उसको अच्छे से स्टिक कर लेंगे। स्टिकिंग के लिए हम इस व्हिप्ड क्रीम को यूज करके इन पार्ट को अच्छे से यहाँ पर एड कर देंगे एंड थोड़ा एकदम हार्ट शेप लुक देने के लिए इसके बीच से कुछ पोर्शन हम कट कर देंगे और केक को मूव करके एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा राउंड शेप केक हार्ट शेप में कन्वर्ट हो चुका है। अब करते इस केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग। सो केक की थीम के अकॉर्डिंग ये केक पूरा व्हाइट व्हिप्ड क्रीम से ही कवर अप है, तो यहाँ पर पाइपिंग बैग की हेल्प से मैंने पूरी क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर दिया केक पर एंड देन ऑफसेट स्पैचुला एंड स्क्रैपर की हेल्प से इस केक की हम करेंगे फाइनल फाइन फिनिशिंग, जिससे केक हमारा दिखने में काफी सुंदर एंड एकदम एग्जैक्ट हार्ट शेप पे बन के रेडी हो जाएगा। एंड थोड़ी सी मेहनत के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे केक की फाइनल फाइन फिनिशिंग आ चुकी है एंड जो हार्ट शेप है वो एकदम परफेक्टली विजिबल है, जो कि में काफी अट्रैक्टिव लगती है। तो यहाँ पर केक की फाइनल फाइन फिनिशिंग करने के बाद इसको हम थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे एंड देन करेंगे इसका फाइनल डेकोरेशन। केक की फाइनल डेकोरेशन के लिए यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर के व्हिप्ड क्रीम रेडी कर ली है। बस अब करना क्या है, इस व्हिप क्रीम को हमें यहाँ पर इस तरीके से स्प्रेड करना है एंड देन यूज करेंगे हम ऑफसेट स्पैचुला एंड इस तरीके से उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। बेसिकली इस केक पर हमें एक रेनबो क्रिएट करना है इन अलग अलग कलर के व्हिप्ड क्रीम को यूज करके। करने का तरीका सेम रहेगा, सिर्फ हमें स्प्रेड करनी है एंड ऑफसेट स्पैचुला यूज करते हुए इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। एंड जिसके लिए मैंने बनाए अराउंड 4 to 5 अलग अलग कलर शेड के व्हिप्ड क्रीम बनके रेडी की थी एंड अच्छे से स्प्रेड करने के बाद ये आ जाएगा हमारे इस केक का फाइनल लुक। एंड इसी के साथ ये हमारा लास्ट कलर शेड है एंड इसके बाद यहाँ पर ये है हमारे इस केक का फाइनल लुक। अब टॉप तो ऊपर से अच्छे से कवर अप हो चुका है, अब बॉटम में कवर करने के लिए यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ ये ऑयल ब्रश। जो हमने कलर शेड बनाए थे उन्हीं कलर शेड को यूज करके इस तरीके से हम स्प्रेड कर देंगे एंड एंड में देखना आप ये गाइस काफी अट्रैक्टिव लगेगा ये जो हम कर रहे हैं। सो सारे कलर को इन ऑयल ब्रश की हेल्प से स्प्रेड करने के बाद ये है हमारे केक का फाइनल लुक, जो कि दिखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है एंड ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इसका आउटपुट इस तरीके से आएगा। एंड टॉप पर हमें जो मैसेज मेंशन करना है वो है हैप्पी बर्थडे रेनबो, तो उसके लिए यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ चॉकलेट गनाश। इस गनाश को मैंने फिल कर लिया है पाइपिंग बैग पे एंड आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इस केक के ऊपर अच्छे से लिख रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम भी यूज कर सकते हो, जो कलर शेड आपको चाहिए वो व्हिप्ड क्रीम आप सेम पाइपिंग बैग में फिल करके इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो इसी के साथ
यहाँ पर हमारा ये जो केक है वो बन के रेडी हो गया है। सो गाइज ये तो मेरा आज के तीनों केक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।